बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन बिअददी कुल्ली मालूमिल्लक। अस्सलामु अलैकुम। आपका दोस्त शफीक अहमद मुरादाबादी आपकी खिदमत में इस मौजू के साथ। आज का टॉपिक हमारा मौजू है वसीकरण, और वो वसीकरण जो किसी पढ़ाई द्वारा या किसी दवाई खिलाकर किया जाता, वो नहीं, वो वसीकरण जो एक दवा द्वारा है इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह बहुत अच्छा वसीकरण है और बहुत अच्छी दवा भी है, प्लस वसीकरण दवा है। तो इंशाल्लाह आपको मैं नुस्खा बताने वाला हूँ, तो इसे समझने की ज़रूरत है। ये उन लोगों के लिए हैं जो लोग ये सवाल करते हैं कि हमारी बीवी नाराज़ रहती है। अरे भाई नाराज़ भाई क्यों ना रहे, उसकी जो रतिक्रिया की इच्छा है, समागम की इच्छा है, भोग की इच्छा है, तुम उसकी चाहत पूरी नहीं कर पा रहे भाई। कुछ बहुत सी परेशानी ऐसी है जो वो नहीं बता पाती, औरत है भाई। तो भाई ये उन लोगों के लिए तोहफा है, बहुत ख़ास है और लगाने वाला है इंशाल्लाह। अगर ये आपने बना लिया तो बहुत अच्छी दवा है और बहुत ख़ास दवा है, और कोई ऐसी झंझट भी नहीं इंशाल्लाह, बहुत ख़ास फार्मूला है। तो इंशाल्लाह आप इस दवा को बनाएँ और इसका तमाशा देखें, बहुत अच्छी आजमाइश आयुर्वेदिक की एक बहुत ख़ास दवा है। तो इंशाल्लाह मैं दवाई आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। तो आपको लेनी है ये बच है, बच ये दो तरह की आती है, एक दूधिया बच आती है और एक सुर्ख रंग की आती है। तो सुर्ख रंग लेना है, ये दूधिया बच है, ये तो आपको लेनी है बच, किसी पंसारी की दुकान पर मिल जाएगी इंशाल्लाह। इस बच को लेकर आप किसी मिक्सर में इसको ग्लेंडर करके इसका सफूब बना लें, यानी चूर्ण बना लें, बारीक सफूब, और इंशाल्लाह इसको आप छान लें। छानना है कपड़े में, कपड़छन करना आपको। जब ये कपड़छन हो जाए तो आपको इंशाल्लाह जितनी दवा है, यानी उसमें खाली शहद मिलाना है, गर्म नहीं करना शहद, शहद अच्छा होना चाहिए। शहद लेकर आपको आप उसका लेप बना लें, यानी आपको शहद इतना लेना है जो ज़्यादा पतला भी ना हो और ज़्यादा गाढ़ा भी ना हो। तो आपको क्या करना है, यानी उस जगह जो टॉपिक चल रहा है, मैं खुले स्तर पर, क्योंकि मेरा वो काम नहीं, मैं इधर उधर की बात नहीं करता भाई। तो आपको क्या करना है, उस लेप को भोग से, क्रिया से, रति क्रिया से पहले आपको ये सुपारी छोड़ के पेनिस के दोनों पट्टों पर ऊपर लगाना है, और नीचे भी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। आप 10 मिनट के लिए लगा लो, शहद में इस बच का सपूप चूरन बना के बारीक पीस कर कपड़चन कर कर आपको शहद मिला के लेप जैसा बना लें। तो आपको इसमें पेनिस पे लगाना है, यानी इतना लगाएं जो ज़्यादा ना हो, वो आराम से हल्का हल्का लेप आ जाए। 10 मिनट के बाद इंशाल्लाह आप इसे या इसको किसी कपड़े से, हल्के टेसू पेपर से इसको साफ कर लें, और इंशाल्लाह आप उसके बाद में जो अपना क्रिया का काम है, रति क्रिया आप करें इंशाल्लाह। ये बहुत ख़ास बादशाह वाला वसीकरण है इंशाल्लाह, बहुत अच्छा है, और उन लोगों की मायूसी दूर करने के लिए जो ये लोग ये कहते हैं कि हमारी बीवी नाराज़ है। पता नहीं भाई, ख़ास फंक्शन ये भी है, इस वजह से भी नाराज़ है, और बाकी कुछ लोग परेशान हैं, या बार बार नहीं जा पाते, खाने की दवा उसकी ज़रूरत है और तिलों की ज़रूरत है, तो हम दवाइयाँ बनाते हैं इंशाल्लाह देसी जड़ी बूटियों से। आप संपर्क कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह किसी मर्ज में नामर्दी हो, शीघ्र पतन हो, यानी जल्दी आप डिस्चार्ज हो जाते हो, तो इंशाल्लाह आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। किसी भी मर्ज में XYZ, यानी किसी भी मर्ज में आप फ़ोन, यानी मेरा डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, तो इंशाल्लाह मुझसे संपर्क कर सकते हैं कोई भी मर्ज़ के बारे में, तो इंशाल्लाह मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा इंशाल्लाह। आप इस दवा को बनाएं, बहुत ख़ास है इंशाल्लाह, पूरी यूट्यूब पे नहीं मिलेगा आपको, ये हमारा आजमाइश वाला है, बहुत ख़ास है इंशाल्लाह। आप इसे इस्तेमाल करें और इसका तमाशा देखें, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।